हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप नेटबूम में अनलिमिटेड टाइम कैसे यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने इस पर ऑलरेडी से एक ऐसे वीडियो बना के रखा है, लेकिन फ्रेंड्स उसके जो क्लैरिटी है, उसके जो रिजोल्यूशन है, वो कैसे डाउन हो गया वो तो मुझको भी नहीं पता। लेकिन मैंने जब उसको यूट्यूब पर जब अपलोड किया और मैंने जब देखा, तब उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही लो एंड हो चुकी थी। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं इसलिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि है नेटबूम पर आप उसमें अनलिमिटेड टाइम ट्रिक कैसे यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि इसमें अनलिमिटेड टाइम तो नहीं है, मतलब हम ओनली नंबर्स चेंज करके ही जो नेटबूम है उसमें 30 मिनट्स का ओवरऑल टाइम कितने भी बार ले सकते। मतलब फ्रेंड्स, अगर हम एक न्यू नंबर से जब नेटबूम में साइन आउट करके जब फिर से एक बार लॉगिन जब करते हैं, तब हमें फिर से एक बार 30 मिनट्स का जो फ्री ट्रायल है वो फिर से एक बार मिल सकता है। तो फिर फ्रेंड्स, लेकिन हमारे पास इतने नंबर्स कहाँ से आएंगे? तो फिर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं दो जो ऐप्स, पहले का नाम है सेकंड लाइन और दूसरे का नाम है नेक्स्ट प्लस। फ्रेंड्स, आपको ये जो दोनों भी जो ऐप्स है वो प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी जो लिंक है वो कुछ दे नहीं रहा है, इसलिए नहीं तो जान दीजिए, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो भी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें सबसे पहले नेटबूम में जाना है। नेटबूम में जाने के बाद यहाँ पर जो मोबाइल का आइकन दिख रहा है उस पर हम टैप करेंगे। उस पर टैप करने के बाद जहाँ पर +65 लिखा हुआ है उस पर जाएंगे, फिर पूरा नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स +1 लिखा हुआ है उस पर टैप कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर +1 आ चुका है मेरे फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पर सेकंड लाइन में जाएंगे। सेकंड लाइन में जाने के बाद यहाँ पर हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ईमेल पूछा गया है, लेकिन फ्रेंड्स हमें हमारा यहाँ पर असली वाला जो ईमेल है, रियल वाला जो आपका ईमेल है, वो यहाँ पर नहीं डालना है। आपको कुछ भी यहाँ पर टाइप कर देना है, कुछ भी, और फिर उसके एंड में @gmail.com लिख दीजिए। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर आपका जो जीमेल है वो करेक्ट ले लेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको कुछ भी टाइप करना है और @gmail.com लास्ट में लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो यहाँ पर आप साइन अप नहीं कर सकते। फिर बाद में फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी डाल देना है। फिर बाद में क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर बाद में यहाँ पर कंटिन्यू करना है और फिर फ्रेंड्स से आपको यहाँ पर एक कैप्चा फिल करने को बोलेगा। यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं, कैप्चा जो है उसको फिल कर देना है और यहाँ पर डोंट केयर लोकेशन पर जाना है और स्किप कर देना है। फिर बाद में आप यहाँ पर US का कौन सा भी एक स्टेट कोड डाल सकते हैं, पिन कोड, मतलब यहाँ पर कौन सा भी एक पिन कोड जो है वो यहाँ पर चल जाएगा। मैं यहाँ पर 321 डालता हूँ और फिर कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, आपको कौन सा भी एक सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और जो सेकंड लाइन में हमारा जो अकाउंट है वो बन जाएगा, वो भी अलग जीमेल से। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का एक इंटरप्शन आने के बाद आपको यहाँ पर 3 लाइन्स पर जाना है। ऊपर 3 लाइन्स पर जाने के बाद जो नंबर है यहाँ पर उस पर टैप करके रखना है और उस बाद में छोड़ देना है ताकि जो नंबर है वो क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाए। कॉपी हो जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट प्लस नाम का जो ऐप है, मैंने यही से प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, आपको भी डाउनलोड कर लेना है। उसमें जाने के बाद यहाँ पर साइनअप का जो ऑप्शन है उस पर जाना है। साइनअप पर जाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओलो कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर यूज़र नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी टाइप कर देना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट में @gmail.com डालना है। यहाँ पर पासवर्ड आप कुछ भी रख दीजिए और फिर बाद में आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए और साइन अप पर क्लिक कर दीजिए। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अकाउंट है वो क्रिएट हो रहा है, फिर यहाँ पर ओलो कर दीजिए। ओलो करने के बाद फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 3 लाइन्स पर आपको जाना है। 3 लाइन्स पर टैप करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्लस नंबर पर आपको टैप कर देना है। फिर बाद में ऐड मोबाइल नंबर पर टैप करना है और फिर यहाँ पर जो आपने सेकंड लाइन से जो नंबर कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। फिर बाद में आपके सेकंड लाइन में जाइए। सेकंड लाइन में जाने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट प्लस का नंबर देख सकते हैं, 8830 है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 8830 टैप कर देंगे।
फिर बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर सिलेक्ट योर स्टेट, फ्रेंड्स हम यहाँ पर कौन सा भी एक स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कैलिफोर्निया कर देता हूँ और फिर बाद में ओके पर क्लिक कर देना है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेक्ट योर एरिया कोड, एरिया कोड आप कौन सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 909 कर लेता हूँ और गेट कस्टम नंबर पर क्लिक कर देता हूँ। फिर फ्रेंड्स बाद में थोड़ा सा एक हमें एक कैप्चर फिल करना पड़ेगा यहाँ पर, आई एम नॉट अ रोबोट का। फिर फ्रेंड्स आप कैप्चर फिल करना तो जानते ही होंगे। यहाँ पर कैप्चर फिल करने के बाद मुझे बाइसिकल्स की इमेजेस सिलेक्ट करने को बोला है इसने। बाइसिकल की इमेजेस सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर बाइसिकल की थोड़ी सी इमेजेस है, ये देखिए यहाँ पर तो कौन सी भी अब बाइसिकल की इमेजेस नहीं है, लेकिन ये देखिए एक मिल गई हमें यहाँ पर और एक मिल गई। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी ना होने के बाद यहाँ पर हम वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे और पार्किंग मीटर सिलेक्ट करने को बोला है हमें यहाँ पर। फिर बाद में ट्रैफिक लाइट्स, यार ये तो आता ही जा रहा है, कितनी बार हमें कैप्चा फिल करना पड़ेगा पता नहीं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप कैप्चा फिल कर दीजिए। फिर से एक बार इसने हमें ट्रैफिक लाइट्स ये बोला है। फ्रेंड्स मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाला हूँ, क्या है कि फिर आप कमेंट में फेक बोलते हो वीडियो को। तो फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनली जो कैप्चा है वो फिल हो चुका है और यहाँ पर एक एडवर्टाइज आ चुके हैं, हम इसको कट कर देंगे और फिर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक नेक्स्ट प्लस नंबर मिल चुका है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नंबर आ चुका है, यहाँ पर हम इसको टैप करके रखेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। फिर बाद में फ्रेंड्स हमें नेटबूम में जाना है, नेटबूम में जाने के बाद यहाँ पर जो प्लस वन होगा उसके सामने हम क्लिक करेंगे और जो नंबर है उसको प्लस कर देंगे और यहाँ का आगे का जो प्लस वन है उसको रिमूव कर देंगे और पासवर्ड कुछ भी डाल देंगे। फिर बाद में कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कॉल है वो हमारे नेक्स्ट प्लस में सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस में जाने के बाद हमें बैक करना है और फिर से एक बार नेक्स्ट प्लस में जाना है और फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नेटबूम का जो वेरीफिकेशन कॉल है वो यहाँ पर आ चुका है। वेरीफिकेशन कॉल हम यहाँ पर डाल देते हैं, फिर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो फिर यार फाइनली फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नेटबूम में वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर जो न्यू वर्जन उसको अपडेट नहीं करता हूँ, चाहे तो आप कर सकते हैं यार बाद में, मैं अब करता नहीं हूँ इसको। लेकिन फ्रेंड्स यार ये जो वीडियो है बिल्कुल भी फेक नहीं है, बहुत रियल वीडियो है। फिर यार एकदम रियली जो OTP आता है यार नेक्स्ट प्लस में, लेकिन यार मैं आपको यहाँ पर वर्जन जो है उसको हटा नहीं पाया यार, लेकर कर रहा था लेकिन जो अपडेट है वो गया नहीं, इसलिए यार मैंने इसको अपडेट कर ही लिया, थोड़ा सा ही बचा है, जल्दी हो जाएगा यार ये यहाँ पर अपडेट। और फिर मैं दिखाता हूँ कि रियल जो नेटबूम है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है हमारे पास, और आप जो अपना जो PC है वो 30 मिनट्स के लिए फिर से एक बार इसमें ओपन कर सकते हो। तो बाकी के फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं आपको एक बार नेटबूम जो है उसको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब 81, 83, 85 बहुत स्पीड में हो रहा है, क्या है यहाँ पर जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन यार आज क्या है क्या पता रेंज जो है वो बहुत स्लो चल रही है। फिर भी इसको एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, पता नहीं यार ये हमें पूरी जो प्रोसेस है वो फिर से एक बार कराने का बोलता है कि क्या पता, यार अलो कर देते हैं। तो फिर ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनली जो हमारा जो नेटबूम है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।